पुलिस की ऐसी लापरवाही देखकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही गाड़ी को पुलिस ने रात भर चौकी में रखा। हरियाणा के जींद से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही गाड़ी को पकड़कर रात भर चौकी में रखा। हालांकि उसने जरूरतमंद कोरोना मरीज से फोन पर बात भी करवाई, लेकिन रौब के भूखे खाकी वालों ने एक भी ना सुनी। हालांकि सुबह कार्रवाई के बिना छोड़ दिया। पुलिस की वजह से मरीज को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उसने दम तोड़ दिया। पुलिस वालों के इस रवैये को लेकर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद पूरी राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, कोरोना मरीज की जान बचाने के लिए पंजाब की धूरी से एक ड्राइवर इनोवा गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला था। मरीज की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उसने हरियाणा और दिल्ली को क्रॉस कर लिया था और रात 3 बजे वो गाजियाबाद पहुँचना था कि अचानक ही 11 बजे जींद में उसे रोक लिया गया। जांच के बाद उसे सुबह छोड़ा गया और तब तक हो चुकी थी मरीज की मौत। दोस्तों, आपको बता दें कि इनोवा का ड्राइवर गाजियाबाद अस्पताल में दाखिल जब हुआ तब वो अपने मालिक के रिश्तेदार के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोक लिया, इस वजह से मरीज की मौत हो गई। उसे 3 बजे गाजियाबाद पहुंचना था, पुलिस ने जाने नहीं दिया और रोक लिया। बेबुनियाद आरोपों के तहत पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और पूरी रात रोक कर रखा। जब उसने कागजात दिखा दिए थे रात में तब भी उसे छोड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी मस्ती दौरान या फिर अपने जो भी नियम है कानून है या अपनी जिद पूरी करने के लिए उसे रोक रखा, लेकिन जाने नहीं दिया। फाइनली उसकी मृत्यु हो गई मरीज की और पूरे जगह मातम फैल गया। क्या कहेंगे आप इस बारे में, अपनी राय जरूर दें।